स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो आज के इस ब्लॉग में मैं जो मैंने कल आपको अपने एक और नए वाले ब्लॉग में बताया था कि वो मैं सरप्राइज़ है जो मैं अब आपको कल बताऊंगा कल वाले ब्लॉग में, तो आज हम उसको ही रिवील करने वाले हैं। तो दिल थाम के बैठिए भाइयों और बहनों, चलिए उसको रिवील करते हैं। तो नहीं तो मैं सरप्राइज़ ये था, आप गैस करो जिसने गैस कर लिया उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो गैस कर रहा और अब मैं आपको रिवील करता हूँ। वो आज मेरा रिजल्ट डे था तो, और आज मैं यही था सरप्राइज़। और अभी आपको दिखाते हैं मेरे रिजल्ट कैसा है। और ये रहा मेरा रिपोर्ट कार्ड, अभी ओपन करते हैं। और मैं फोर्थ क्लास से लेके फिफ्थ क्लास फिफ्थ ए अभी मैं प्रमोट हो गया हूँ। टीचर ने मुझे बोला था कि तुम ए और बी में, शायद ए और बी में, पता नहीं वो टोटल तो वो बोल रही है ए नहीं हुए प्रमोट। तो अभी हम देखते हैं कि फोर्थ क्लास से मैं प्रमोट हुआ हूँ फाइव ए में फिफ्थ ए में। और गाइस आपको और ये है मेरे मार्क्स जो कि ये है मार्क्स है जो स्कूल के जो मुझे टीचर ने एग्ज़ाम के लिए दिए थे। और गाइस ज़रूर बताना कि आपको अच्छे लगे मार्क्स कि नहीं लगे। और मैंने बहुत मेहनत करी थी कि मैं उसको ऐसे 91% लाऊं मार्क्स। और गाइस एक ज़रूर बात बता देना जो कि आप कभी नहीं करते हो, लाइक हाँ सपोर्ट आप कर दो ना, मुझे सपोर्ट कर देना आप मुझे, और कॉन्फिडेंस मिलेगा मुझे। और क्या ही कहूँगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो। तो मैं तो यही कहूँगा कि कुछ ज़्यादा करो, खेलने के टाइम पे खेलना, लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है एजुकेशन। और एजुकेशन सबसे ज़्यादा इस, तो मैं सबसे भी यही बोलूँगा कि एजुकेशन करो और क्या, बड़े होकर जॉब ही लगनी है एजुकेशन से और क्या। और एजुकेशन मतलब अच्छे अच्छे स्कूल में जाओ और एजुकेशन बढ़िया से करो। मैं आपको ये तो फ्रेंड्स आपको एक मुझे एक बच्चे देख रहे हैं तो बच्चे सुने, पेरेंट्स देख रहे हैं तो आपने बच्चों को सुना है। सबसे पहली बात जो बच्चे हैं उनको मैं कहना चाहूँगा जो अपनी लाइफ में एजुकेशन जो करता है ज़्यादा उसको ही मेहनत मिलती है। और आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा मैं, जितनी आप अपने टीचर की रिस्पेक्ट करोगे वो आपकी इतनी ही रिस्पेक्ट करेंगे। और जितने आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पेक्ट करना चाहोगे तो उतनी आपको नॉलेज देना चाहेंगे। तो और जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो अपने फोकस पे फोकस करे, पढ़ाई पे फोकस, ठीक है, एजुकेशन पे फोकस करे। और जो बैक बेंचर है मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि ये सब बैक बेंचर का काम छोड़ दीजिए और लाइफ में बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन करें, फोकस करें अपनी पढ़ाई में और लाइफ में कामयाब हुए। और जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, पेरेंट्स देख रहे हैं, सब अपने जो पेरेंट्स देख रहे हैं वो अपने बच्चों को दिखाइए और उनको भी बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन दिए, मोटिवेट करें कि वो कुछ करें और उनकी फ्यूचर में इसलिए जॉब लगेगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी लगी सपोर्ट करो, और क्या भाई सपोर्ट ही करो, आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर लो और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करें और मेरा और मुझे मोटिवेट करें कि जिससे मैं अच्छे से आपका अच्छे से, और मैं आपको इस चैनल पर आपको ऐसे ऐसे ब्लॉग बताऊंगा कि मैं कैसे कैसे बनाता हूँ। तो फ्रेंड्स आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें, सपोर्ट करें मेरी यूट्यूब चैनल को। दो मेरी यूट्यूब चैनल है, पहला है ये मेरा रेहान खान ब्लॉग्स और एक है रेहान गेमर जोन। तो दोनों ही चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करना गाइज, क्योंकि देखो सब्सक्राइब ज़्यादा होएंगे तो वीडियो भी ज़्यादा ही आएंगी ना आपके पास। जितने पहले अगर आपने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है दोनों चैनलों को तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगी मेरी, तो दो नई वीडियो आ चुकी हैं, एक गेमिंग में और एक ब्लॉग्स में। तो
ज़्यादा से ज़्यादा दोनों चैनलों को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और मेरे तो गाइस आप मुझे मेरे व्लॉग में आपको जितने भी सारे व्लॉग में गलती लगती है सबको और सपोज जितनी भी आपको गलती लग रही है वो मेरे कमेंट में लिख दीजिए, कमेंट बिलो में, वो मैं पढ़ लिया करूँगा। इन फ्यूचर मैं उनको सुधारूँ और सुधारूँगा मैं इन फ्यूचर आपको मेरा मतलब इन फ्यूचर मैं उनको सुधारूँगा मिस्टेक्स को और करेक्ट करूँगा, ठीक है? ओके गाइस, बाय बाय, सी यू टुमारो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।